दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल से या फिर अपने किसी भी अदर पार्ट से रिकॉर्ड की गई आवाज़ को कैसे साफ़ कर सकते हैं। जी हाँ, छोटे मोटे आवाज़ होती है, जैसे फैन चल रहा है या फिर पास में छोटी मोटी कोई आवाज़ आ भी जाती है, तो उसे आप कैसे क्लियर कर सकते हैं और अपनी आवाज़ को बेहतरीन बना सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है, उस पर प्रेस कर बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास आए। दोस्तों देखो, सबसे पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑन करके आपको यहाँ पे ऑडेसिटी लिखना होगा, और आप जैसे ही ऑडेसिटी लिखते हैं तो यहाँ पे इस तरह से पेज आता है, और ये पहला लिंक जो आता है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप पहले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे जाएंगे और आपको यहाँ पे ये पहला लिंक दिखाई देगा इस तरह का, आपको इस पर क्लिक करना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये ऑडेसिटी 2.1.3 इंस्टॉलर है, या फिर अगर कोई भी दूसरा इंस्टॉलर हो तो आप उसी उस पर क्लिक करना है, और फिर सिंपली यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा और नीचे सेव का बटन आएगा, आपको सेव पर क्लिक करना है, जैसे कि वो सेव हो जाएगा। इसके बाद देखो दोस्तों, यहाँ पे ऑडेसिटी को आप इंस्टॉल कर लें, और जैसे मैंने इंस्टॉल कर दिया है तो डेस्कटॉप पे आइकन के रूप में दिखाई दे रहा है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि आवाज़ को कैसे साफ़ करेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे ये फाइल नाम का दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे फाइल पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद ओपन पर क्लिक करना है। जैसे कि ये अभी ये आ गया ओपन, तो ओपन पर क्लिक करके आपको वो ऑडियो लेनी है जो ऑडियो आपको साफ़ करनी है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जो है वो ऑडियो हम ले लेते हैं और इसके बाद ओपन कर देते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों, ऑडियो ओपन हो जाएगा। अब ऑडियो को एक बार चला के देखते हैं कि वो रियल में चल रहे तो कैसी है, उसके बाद में इफेक्ट डालेंगे तो कैसी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में टीवी को देख सकते हैं, वो भी लाइव टीवी। जी हाँ दोस्तों, लाइव टीवी आप आसानी से अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में देख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। कैसे होता है, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। इससे पहले कि अभी आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आपने सुना कुछ ऑडियो तो थी ऐसी, अब इस पर इफेक्ट डाल देते हैं यानी इसे साफ़ कर देते। देखो दोस्तों, स्टार्टिंग में जो आपको रिकॉर्डिंग है वो थोड़ी सी साफ़ रखनी है ना, और जैसे देखो ये वाली है, तो अभी थोड़ी पहले मैं कुछ बोला नहीं, 2-4 से 5 सेकंड आपको क्लीन रखनी है, तो यहाँ पे उसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके आपको जो 4 से 5 सेकंड सेलेक्ट करके इफेक्ट में जा करके नॉइस रिडक्शन है उस पर क्लिक करके गेट नॉइस प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखो कंट्रोल ए दबाना है, जैसे कि सारी की सारी सेलेक्ट हो जाए, और यहाँ पर पे आपको ओके बटन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक कर दिए। और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये ऐसे कुछ प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपकी आवाज़ स्टार्टिंग के जो साफ पार्ट था आपने वो जो सेलेक्ट किया था वो पार्ट, अब बाकी का पार्ट भी ऐसे ही साफ़ हो जाएगा। तो आपको शुरुआत की ऑडियो में थोड़ी बहुत क्लीनिंग रखनी होगी, तो इसे भी चला के देखते हैं अब क्या इफेक्ट आया है, आप खुद जान जाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में टीवी को देख सकते हैं, वो भी लाइव टीवी। जी हाँ दोस्तों, लाइव टीवी आप आसानी से अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में देख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। कैसे होता है, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे दोनों रिकॉर्डिंग है, और दोनों रिकॉर्डिंग में आपको फ़र्क तो दिखाई दिया होगा वैसे, और अगर आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखाई दे तो यहाँ पर आपको एक बार फिर करना है। दोस्तों देखो, अगर आप खुद ट्राई करेंगे तो बेहतरीन तरीके से होगा, बहुत ही ज़्यादा तरीके से अच्छा होगा, क्योंकि आप एक बार खुद करके देखेंगे तभी तो पता चलेगा कि ये वीडियो सही भी है या नहीं भी। दोस्तों ये वीडियो सही है, अगर आपको ये वीडियो सही लगे लगे कि ये बंदे ने सही काम किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, वही मैंने एक्टिविटीज़ वापस की हैं, अगर आपको मैं कहूँ कि एक बार नहीं तो 2 बार कर दो ताकि आवाज़ और भी क्लीन हो जाए, हालांकि ज़्यादा बार करेंगे तो आपकी आवाज़ जो आपकी आवाज़ है वो चली जाएगी, तो वो ज़्यादा आपको यहाँ पे फ़र्क नहीं दिखाई देने वाला है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जो है वो वही सेम प्रोसेस चल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये तीसरी बार की साउंड अभी मैंने आपको नहीं दिखाई है। तो देखो दोस्तों, इसके बाद आपको अगर सेव करना है तो आप सेव कैसे करेंगे, तो यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके एक्सपोर्ट ऑडियो पे क्लिक करके फाइल का नाम और लोकेशन तय कर ले, इसके बाद सेव बटन पर क्लिक कर दें। जैसे सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओके आएगा, ओके पे क्लिक कर दें, आप फाइल ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, साउंड क्लीनिंग करना आप सीख गए होंगे, अगर सीख गए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही साथ आपको दिखाई देगी एक बेल आइकन, और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ना तो मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास आएगी।